उजागर कर रहे हैं, उम्मीद और हौसला पैदा हुआ है। और इस एहतजाजी धरने पर हुकूमत ने खुद रब्ता किया और उन्होंने इस बात से आगाह किया कि भी वज़रा की एक कमेटी बनाई गई है और वो धरने के जो मुतालबा। फिर जब उन्होंने दोबारा रब्ता किया, हमने उनको दावत दी कि हम तो यहाँ धरने में मौजूद हैं, आप यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। तो रात वज़रा की ये कमेटी धरने में तशरीफ़ लाए थे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब को मुज़ाकरात की दावत दी, उन्होंने उनकी इस पेशकश को कबूल किया और फिर आज जमात इस्लामी की भी एक कमेटी बना दी गई। और इस कमेटी का पहला जो एक दौर हुआ है हमारे मुज़ाकरात का, वो अच्छे माहौल में हुआ है। हमने व्यूज़ एक्सचेंज किए हैं और अपना जो एजेंडा है उनके सामने बिल्कुल वाज़े कर दिया है और उन पर ये बात भी वजाहत के साथ पेश कर दी गई है कि ये धरना हमारा कोई ज़ाती पार्टी एजेंडा नहीं है, ये आवाम के मसाइल हैं, ये कौम की तकवीयत के लिए हैं, पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए हैं। इसीलिए हमने उनसे कहा कि बिजली के बिल जो हैं अब अदा करना आवाम के लिए नामुमकिन हो गया है, पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो नाकाबले बर्दाश्त हो गई हैं और तनख्वाह पेशा तबका, वो निजी है या सरकारी है, उन पर जो एक अजाफी टैक्स आयद कर दिए गए हैं कि वो बिलबिला रहे हैं, उनके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। इसी तरह IPPs एक ऐसा कैंसर है, एक ऐसा नासूर है कि जो पूरी कौमी मईशत के लिए मौत का परवाना बन गया है और हमने अपनी पूरी स्टडी और पूरी तफसील उनके सामने रखी है कि ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि लोगों को ये कह के टाल दिया जाए कि कोई बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं। कोई बैनुल-अक़वामी मुआहदे नहीं है, सिर्फ़ एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा हमारा चीन के साथ है और चीन हमारा ऐसा दोस्त है वो पाकिस्तान को किसी मुश्किल में कभी भी नहीं देख सकता। अगर अज़म के साथ ये अब चीन की आड़ में हुकूमत पाकिस्तान अपने शेयर्स पे या पाकिस्तान के जो सरमायादार हैं उनके मफादात के तहफ़ के लिए 25 करोड़ आवाम को भेंट चढ़ाए तो इंशाल्लाह हम ये नहीं होने देंगे। हमने उसकी पूरी तफसील उनके सामने रखी है। फिर एक्सपोर्टर्स पर, फ्लोर मिल्स पर और इस तरह फिक्स टैक्सेशन की सूरत में जो पूरा माशी सर्कल रुक गया है, हमने पूरी वजाहत के साथ उनसे बात की है। उन्होंने इस मकसद के लिए कहा है कि भी हमारी सारी चीज़ें नोट कर ली गई हैं और उन्होंने खुद इस चीज़ को कहा है कि वो एक टेक्निकल कमेटी तश्कील देंगे और उनके साथ बैठ के हमारे मुतालबात पर वो कोई आपस में बात करेंगे। फिर अगर ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह हम दोबारा भी मिल बैठेंगे। उन्होंने कहा है कि कल ही ये कमेटी तश्कील दे के वो अपना इंटरनल जो है कि वर्किंग कर लेंगे और उसके बाद दूसरा दौर हमारे मुज़ाकरात का होगा। धरना भी जारी रहेगा, एहतजाज भी जारी रहेगा और पूरे मुल्क के आवाम के लिए हमारा जो एहतजाज का पैगाम है ये पूरी मजबूती के साथ उन तक मुंतकिल होता रहेगा। जो आपके कारकुन गिरफ़्तार हुए हैं 2-3 रोज में, क्रैकडाउन छापे गिरफ्तार, इसके हवाले से क्या पेश करते हैं? देखें, ये एक बड़ी तादाद में कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया था। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी ने यही कहा था कि हम सबको रिहा कर देंगे। बड़ी तादाद में लोग जो हैं कि रिहा तो कर दिए गए, लेकिन जो इस वक्त तक हमारी इतलात थी कम व बेश 35 अफराद हैं कि जिनके नज़रबंदी के ऑर्डर्स किए गए, जिनको जेलों में भेजा गया है। हमने वो तमाम नाम और पूरी लिस्ट उनके सामने उनको मुहैया कर दी है। इस वक्त तो हमें उन्होंने यही कहा है कि भी हम इस पे माजरत चाहते हैं, ये पहले भी डायरेक्शन चली गई थी, जो रिहा नहीं हुए उनको रिहा कर दिया जाए। ये बताइएगा कि हुकूमती कमेटी से आप मुतमईन हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है? आप समझते हैं कि हुकूमत संजीदा है, आपके जो भी मुतालबात हैं संजीदगी दिखाई जा रही है? और आपके मेरा ख्याल है जी कि आज कमेटी में अवैस लगारी साहब मौजूद नहीं थे, वो इस्लामाबाद से बाहर थे, वो भी उनको ज्वाइन कर लेंगे, वो भी एक जायज़ा ले लेंगे। और बाकी अगर हुकूमत इसको संजीदगी से काम करेगी तो
उनको इसमें रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तान के आवाम को रिलीफ मिलेगा, वगरना धरना और आवाम का एहतजाज इन्हें संजीदा गौर व फिक्र पर मजबूर कर देगा। सर, ये कहेगा कि धरने के वजह से कल भी हुकूमत की जान से कहा गया था कि धरना खत्म कर दिया जाए फौरी तौर पे, तो इस तरह की बात अब धरना जारी रहेगा और ये बताएगा कि अगला दौर कब होगा? इंशाल्लाह आपके हुक्म के मुताबिक जारी रखेंगे। पता नहीं ये 10 का फिगर तो आपने खुद ही चला दिया है, हमारे जो मैंने तो आपके सामने जो रखी है आप उनको 10 बना लें 12 बना लें, ये आप मीडिया ताकतवर है जो मर्जी कर लें, मैंने तो जो आपके सामने इश्यूज रखे हैं वही उनके सामने रखे हैं और अब उनका काम है, उनके बाल जो है कि उनकी कोर्ट में है कि वो इसमें क्या हुकूमत कौन सा बड़ा